अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, दिस इज़ सैयद मजमनू और आप देख रहे हैं कुकिंग विद दूर। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, स्पेशल ढाबा कढ़ाई जो यूजुअली हम रेस्टोरेंट्स में और ढाबे पे ऑर्डर करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिलिशियस होती है। इसके लिए हमें चाहिए हाफ के जी चिकन लिए है मैंने, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर दिए मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया है, नमक हसब ज़रूरत मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और लहसुन और अदरक का पेस्ट, अदरक मैंने लिए 1 टेबल स्पून और लहसुन मैंने लिए 2 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने लिए काली मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, 4 से 5 बड़े वाले, ठीक है, इनको मैंने हाफ पीसेस में काट लिया है। हरी मिर्चें चाहिए ज़रूरत के हिसाब से 4 से 5, और हर धनिया गार्निशिंग के लिए। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। तेल जो है वो गरम कर लिया है कढ़ाई में डाल के, तेल मैंने लिया है 2 कप। अब हम इसमें डालेंगे नमक हमने इसमें ऐड कर लिया है, एक मिनट हो गया। अब हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, कुटा और भुना जीरा डालेंगे पाउडर, कुटा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे, ढक देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट हो गए। कढ़ाई को हमने मीडियम आंच पर रखा हुआ था, ढक्कन अब हमने हटा दिया है। अब हमें क्या करना है, जो ये जो टमाटर है इसके छिलके देखें, बस आसानी धोते हैं सलाह टमाटर के छिलके था। ऐसी बात ये पके हुए नहीं होते, टमाटर के छिलके नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल से निकलते हैं, क्योंकि ये पक चुके होते हैं। तो टमाटर की स्किन हमने निकाल दी है, हमने आज तेज कर टमाटर है, ये हमने इस तरीके से तोड़ लिए है। तो हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, तो मैंने लिया है 1 टेबल 1 टी। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है वो सूख जाए, देन इसमें हम हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, हरी मिर्च आप ले लें 4 से 5 हज़ार। मैंने 20 से कट लगा दिया है,
आगे लगा दो। अब देख सकते हैं इसकी चटनी कितनी प्यारी आ रही है। अब हम इसका ढक्कन इसको ढक देंगे और इसको थोड़ी सी स्लो आंच पे करते हैं। ओके जी, हाई चिकन कढ़ाई जो है वो डाल चुकी है। आप भी अपने घर में बनाएं, सैलरी के लिए बहुत अच्छा आइटम है, आप घर के बाद भी खाने के लिए आप लोग ट्राई करें, मुझे बताएं कैसा बना। लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें मेरे पेज को। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।